नमस्कार, मैं हूं लवली सिंह। आप देख रहे हैं भारत समाचार। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। फिल्म अभिनेत्री इन दिनों अपनी भड़काऊ बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में है। पहले उद्धव ठाकरे को लेकर सुर्खियां बटोरने में कामयाब रही फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों बंगाल में चल रही सियासी लड़ाई में कूद पड़ी है। उनके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से हिंसा का जवाब हिंसा से देने की अपील की है, जिसको लेकर ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड करा दिया है। वहीं अलीगढ़ में अधिवक्ता द्वारा कंगना रनौत के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट करने व माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए साइबर सेल में तहरीर देते हुए मुकदमे की मांग की है। ट्यूसडे वाले दिन ट्विटर ने भी कंगना रनौत का जो है वो ट्विटर अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर दिया। उसकी वजह ये थी कि इनकी कंटिन्यूसली जो हेट स्पीचेस है और हेटफुल कंटेंट्स हैं वो वहाँ पर अपडेट हो रहे थे। और अभी रिसेंटली भी इन्होंने ये लिखा है, जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है बंगाल के अंदर, उसमें उन्होंने लिखा है वी नीड सुपर गुंडाई टू किल गुंडाई। यानी कि आपको जो हिंसा है उसका जवाब हिंसा से ही देना है। देयर इज़ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और जो पुलिस है, हमारी बाकी सारी एजेंसीज हैं जो इन सब चीज़ों को देखेंगी। हमारी जुडिशरी है, अगर वो गुंडे हैं तो उनका जो काम है वो कानूनी तरीके से किया जाएगा। ये थोड़ी ना कि उसको गुंडे ही तरीके से किया जाएगा। फिर पीएम मोदी को आप कह रहे हो कि पीएम मोदी ने उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए, जैसे 2000 अर्ली 2000 का उनका जो विराट रूप था वो उनको दोबारा से अपनाना चाहिए। तो आप कहना क्या चाहते हो? आप प्राइम मिनिस्टर को भी इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हो ये कहकर के जो विराट रूप है वो लेकर आना चाहिए, है ना? तो इस तरह के हेटफुल कंटेंट्स जो हैं वो बार बार आ रहे हैं, बार बार अपडेट होते रहते हैं और हम देखते रहते हैं। अगर कुछ नहीं किया गया तो फिर तो इनके जो हौसले हैं वो बढ़ते रहेंगे।